Hey guys, welcome back. The new Nokia 5310 Express Music. आज हमें as usual इस फोन की durability test करनी है. आप ये बताइएगा कि क्या आप अभी feature phone use करते हैं along with your स्मार्टफोन जो भी आप एंड्रॉइड आईफोन यूज करते हैं. मैं यूज करता हूँ. मेरे बैग में ऑलवेज एक फीचर फोन होता है, लाइक करंटली अभी 8110 4G है, दी बनाना फोन. मेरी कार में आई गेस नोकिया 3310 या 1100 कुछ पड़ा हुआ है पुराना वाला. सो आई कैरी एटलीस्ट वन बैकअप फोन, बिकॉज ऐसा हो सकता है अक्सर कि आप बाहर हैं, आपका फोन गिर जाए और ड्रॉप डेड हो जाए, लाइक द सैमसंग फोन. तो आप अगर आपको इमरजेंसी में कॉल करना हो या बैटरी डेड हो जाए तो एटलीस्ट हाउ यू विल मेक कॉल. सो इसीलिए मैं एटलीस्ट फीचर फोन कैरी करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि फीचर फोन ज्यादा सॉलिड होते हैं. लाइक नोकिया 105 जो हमने 60 फीट से थ्रो आउट किया था, 8110 4G अभी भी वर्क कर रहा है. तो सिमिलरली नोकिया ने एक नया फोन लॉन्च किया है, यू नो रीलॉन्च आप कह सकते हैं, रीबर्थ लाइक करण अर्जुन. नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक. तो इस फोन पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा थ्रो बैक दिखाता हूँ. यू नो ये मेरा पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन था, और इन फैक्ट ये नोकिया का फर्स्ट टच स्क्रीन स्मार्टफोन था जो पब्लिकली अवेलेबल था फॉर सीरीज 60 प्लेटफॉर्म, जो सिम्बियन का बहुत काफी पॉपुलर था. इससे पहले फर्स्ट डिवाइस जो टच में आई थी नोकिया सैमसंग 10 थी, बॉक्सी फोन. अगर आप उसकी अनबॉक्सिंग देखें तो प्लीज जरूर कमेंट्स में भी बताइएगा. और ये फोन रियली मेरे लिए काफी एक्साइटमेंट भरा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसको अपनी सैलरी से इसको परचेज किया था. मीन इकट्ठा करके 21,980 रुपए का पड़ा था. ये 2008 दिसंबर में मैंने लिया था. एंड यू कैन सी हाउ क्यूट दिस फोन इज, 3.2 इंच. ऑल्सो यहाँ पे आपको एक स्टाइलस भी मिलता था और आप स्टाइलस से इस फोन को चला सकते थे. मीन सी इट्स लाइक सैमसंग गैलेक्सी ने आई गेस कॉन्सेप्ट यहीं से यू नो इंस्पायर लिया होगा. सो वेरी गुड फोन. और बेस्ट पार्ट क्या था कि ये एक्सप्रेस म्यूजिक फोन था. तो एक्सप्रेस म्यूजिक फोन में कुछ अलग फीचर्स देते हैं, लाइक आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स मिलते हैं, मे बी ड्यूअल, कुछ एक्स्ट्रा टच कंट्रोल मिलते हैं जिससे आप डायरेक्टली म्यूजिक पे जंप कर सकते हैं. ट्रैक प्ले करेंगे तो यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले करते हुए दिखाएगा, एक्स्ट्रा मेमोरी और कूल थिंग होती थी. तो ये फोन अभी भी वर्क कर रहा है. यू सी 2008 में लिया था, 2020 चल रहा है और सेम बैटरी मैं 12 साल से यूज कर रहा हूँ, अभी तक खराब नहीं हुई. सो ये होते हैं फोन यू नो जो चलते हैं, आप सदियों चला सकते हैं इस फोन को. ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोकिया 5310 से. एक चार्जर, एक हेडफोन, एक बैटरी अलग से मिलती जो आपको फोन में लगानी पड़ती है. जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए कि कुछ एक्स्ट्रा आपको कमांड्स ही होते हैं, बटन्स होते हैं, लाइक प्ले पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, वॉल्यूम तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रास होते हैं. एंड व्हाट अ स्टफ, आप यहां से बैटरी को लगा सकते हैं. तो ये हो गया फोन, और यहां से होगा ऑब्वियसली टर्न ऑन. ओके गाइस, तो ऐसा है कुछ फोन. ये आप यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं, नाउ असैसिन्स क्रीड आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, कुछ और गेम भी यहाँ पे कर सकते हैं. एक्सपोर्ट 6 भी इसमें है, और यू नो स्कूल ड्यूअल स्पीकर्स, एसडी कार्ड आप लगा सकते हैं, आई मीन लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ. कैमरा भी है इसमें, बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, एंड्रॉइड से भी फास्ट काम कर रहा है. और मैं ड्रॉप टेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ आज इस फोन का इन द ऑफिस, बिकॉज यू नो ऐसा नहीं कि ये ग्लास का फोन है जहां पे कुछ आपको डर लगेगा, आप आसानी से इसको थ्रो कर दीजिए, कुछ नहीं होगा. तो मे बी आने वाले दिनों में मेगा ड्रॉप टेस्ट में मैं इसको हाईवे पे या मे बी सम किसी डिफरेंट टॉम पे या मॉन्यूमेंटल प्लेसेस पे इसका ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करता हूँ. और गाइस चलिए इस क्रैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फोन में कैसा कंस्ट्रक्शन है. ऑब्वियसली ये आपको प्लास्टिक ही मिलेगा इस प्राइस रेंज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीचर फोन ब्यूटीफुल और मेटल के नहीं होते थे. नोकिया 6300 आप देख सकते हैं कंप्लीट मेटल था, रियली सॉलिड फोन अभी तक काम कर रहा है. एंड नो प्रॉब्लम, इजिली आपके फोन में स्क्रैचेस लग सकते हैं, नॉट ए बिग डील, क्योंकि ये फोन इसी पर्पज के लिए बने हैं. आप रगेडली इसको यूज करिए, कोई इश्यूज नहीं होगी. अगर आप व्हाइट लेते हैं, व्हाइट कलर का फोन, तो अगर वहां पे स्क्रैचेस लगता है तो वहां पे डस्ट काफी सेटल रहेगा, लेकिन ब्लैक कलर में ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे डस्ट सेटल नहीं होती है. नोकिया लोगो यहाँ पे यू नो काइंड ऑफ स्टिकर है जो लगाया गया है, विद टाइम ये ऑब्वियसली हट जाता है, लेकिन ओल्ड नोकिया पेंट अभी भी चल रहा है. तो अगर यहाँ पे पेंट जॉब होता थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे वो यू नो बेटर इन क्वालिटी होता. सेम पॉलीकार्बोनेट लाइक इन द बैक पैनल. ओप्स, हेडफोन जैक. ओके, एंड जो बटन्स हैं वो
बाहर नहीं आ रहे हैं, रियली सॉलिड, थोड़ा सा ये थिक मटेरियल है कंपेयर टू यहाँ के, कि ऑलवेज वहीं रहेंगे जहां होने चाहिए। ड्यूअल स्पीकर्स, ये एक पतली सी जाली है, मैश है, जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। आई मीन 4000 में आप ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, यहाँ पे एक थिक जाली लगानी चाहिए थोड़ा सॉलिड प्लास्टिक, क्योंकि ये काफी बड़ा है और कॉइन्स आसानी से, आज के 5 के कॉइन जो होते हैं वो काफी छोटे पतले होते हैं, तो आसानी से इसको डैमेज कर सकते हैं। कीज भी यहाँ पे जा सकती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेल्स काफी बड़े हैं, तो यहाँ पे कीपैड हो सकता है टाइम के साथ स्क्रैच हो जाए। बट स्टिल ये आई गेस कई साल तो चलने चाहिए, इवन दो अगर ये हो भी जाते हैं, घिस भी जाते हैं, तो नॉट बिग डील, आपको पता रहेगा बटन कौन से हैं, क्वालिटी की बैड नहीं है, ये T9 कीबोर्ड है, हार्ड प्लास्टिक। सो ये छोटा सा बटन यहाँ पे विथ अ ग्लू यहाँ पे स्टिक किया गया था, अब ये बटन बाहर आ सकता है। सो इट्स द सेम नेविगेशन व्हील जो नोकिया ने पहले भी यूज किया था, बट यहाँ पे स्टील यूज किया गया था, लेकिन अभी भी आप चला सकते हैं, यू नो यू कैन यूज। सो यही खासियत होती है, फेविस्टिक लेके इसको अगेन यहाँ पे ग्लू कर देना है तो ये काम करने लगेगा, बट ये थोड़ा सा लूज का पार्ट है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही प्रेशर लगाया था और ये आसानी से बाहर आ गया है। प्लास्टिक की स्क्रीन लेवल 2 पे स्क्रैच हो जाती है, यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि ये डेफिनेटली प्लास्टिक की स्क्रीन नहीं है, लेकिन अगर ये ग्लास होगा तो लेवल 3 से स्क्रैच होना स्टार्ट जाएगा। यहाँ पे कोई भी कॉर्निंग की प्रोटेक्शन ऑब्वियसली आपको फोन पे नहीं मिलेगी। एंड कंपेयर करें 8110 4G से, जो कि अगेन सिमिलर तरह का ग्लास वहां पर यूज किया गया था, रियली काफी लो क्वालिटी प्लास्टिक की ग्लास होता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई भी आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिलते होंगे जो आप फोन पे लगा सकते हैं। रियर कैमरा ग्लास लेवल 4 से स्क्रैच हो रहा, यानी कि स्क्रैच के टर्म्स में वो फ्रंट डिस्प्ले से ज्यादा अच्छा है। नाउ स्प्लैश टेस्ट हम नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये बटन यहाँ से ओपन हो चुका है और पानी आसानी से यहाँ पे अंदर चला जाएगा। मे बी इन द फ्यूचर हम स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं विद अ डिफरेंट मॉडल। डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, चूंकि ये बजट फोन है एंड किसी भी डायरेक्शन से ये दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर फोन कुछ भी होता है लेकिन कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली सभी चीज यहाँ पे डिसमेंटल होके आप अगेन रीअसेंबल कर सकते हैं। यार ये कीबोर्ड साउंड कैसे ऑफ करते हैं इसका? सो दिस इज व्हाई ये फोन बने होते हैं कि आप कई सदियों तक उसको चला सकते हैं, आई मीन एटलीस्ट 2 डिकेड तो ये काम करते ही हैं, नो सच प्रॉब्लम, और अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, फोन परफेक्टली ऑपरेटेबल है, एवरीथिंग वर्क्स। चलिए डिस्टॉर्शन टेस्ट के बाद अब हम बैंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या ये फीचर फोन बैंड होके फेल हो सकता है? काफी ह्यूज फ्लेक्स है एंड एज एक्सपेक्टेड कि बैक पैनल आपका बाहर आने लगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है एंड अभी भी फोन परफेक्टली वर्किंग है। इससे कहीं कम प्रेशर मैंने पोको फोन पे लगाया था, पोको X2 पे, और वो इंस्टेंटली ब्रेक हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम प्रेशर लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। मेड इन इंडिया, डिजाइन इन फिनलैंड। ऑलराइट, अपोजिट डायरेक्शन से बेंड करते हैं, कम ऑन। टूट जा भाई, नो सच प्रॉब्लम। बटन्स तो भले ही बाहर आ गए लेकिन वो अगेन फिक्स हो जाएंगे। या रियली वेरी सॉलिड फोन, नो सच प्रॉब्लम।
With few cons like display पे at least कोई screen protection देना चाहिए और baby glass थोड़ा सा improve करना चाहिए and buttons जो आसानी से ये बाहर आ जा रहे हैं इन्हें दोबारा fix करना पड़ेगा with glue, ये भी आसानी से fix हो जाएंगे, otherwise good phone. I hope guys आपको ये test अच्छा लगा होगा. Thank you so much. Have a great day.